जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, आप सभी का माँ अन्नपूर्णा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड, और लगभग सभी लोग इस चीज़ से, इस रेसिपी से वाकिफ़ है। पर आज जो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, वो मैंने इसमें कुछ खास टिप्स यूज़ किए हैं जिससे आपका कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी बनेगा। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1/2 लीटर दूध और लगभग 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। देखिए, मार्केट में बहुत ही इजली ये अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इसको किसी भी फॉर्च्यून की दुकान से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध को कर लिया है बॉयल, और जैसे ही दूध बॉयल हो जाता है मैं और फ्लेम को हम कर देंगे एकदम लो, और इसमें हम डाल रहे हैं लगभग 8 स्पून के करीब में चीनी, और इसमें हम कस्टर्ड जो मैंने कि सादे दूध में घोल के रखा था, जो ना गर्म होना चाहिए आपका फ्रेंड्स ना ही एकदम ठंडा, तो उस तरीके से मैंने इसको घोला हुआ था, और वो हम इसमें 2-3 बैच में करके इसको डालकर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और ये बहुत अच्छे से पकाना है और लगातार स्टर करते हुए आपको पकाना है, क्योंकि इसमें होता है कॉर्नफ्लोर नहीं, अगर आपने छोड़ दिया इसको चलाना तो ये जाके आपके तले से चिपक जाएगा। तो बेसिकली जो कस्टर्ड बनते हैं वो तो बनते हैं एग से, और वो अलग ही रेसिपी होती है, पर हम वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कॉर्नफ्लोर और कॉर्नस्टार्च को मिला के ये पाउडर तैयार होता है। बिल्कुल वेजिटेरियन इनको इजीली बनाकर खा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एग से कुछ डिफरेंट होता होगा। जो एग वाले बनाते होंगे और वो ही इसके डिफरेंट को बता पाएंगे। तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरा किचन भी आपको पता है प्योर वेजिटेरियन ही। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर, जो कि 2 टेबल स्पून था, उसको मैंने दूध में घोला हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट टिप जो है इसको मोर क्रीमी करने के लिए, जब कभी भी आप कस्टर्ड बनाते होंगे तो ठंडा होने के लिए जब आप फ्रिज में रखते हैं तो वो ऊपर से मलाई जम जाती है, इसी के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मक्खन यूज़ किया है, जो इसको बिल्कुल भी मलाई ऊपर नहीं जमने देगा। तो मैंने इसको लगभग 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये चिल्ड हो गया, और इसको हम काफ़ी अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फल को यूज़ किया है, जो बच्चों को पसंद है वो आप ले सकते हैं, या आपको जो पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी, बनाना, कीवी और ग्रेप्स और एप्पल, सारे जो भी आपको यूज़ करने हो वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे सर्विंग ग्लास में, और मैं इसको फिल करूँगी, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट में रखा है कि एक डार्क कलर एक लाइट कलर करके मैंने सारी चीज़ों को फिल करना है। तो पहले मैंने स्ट्रॉबेरी डाली, फिर बनाना डाला, और इसके बाद में हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं ना, और इस तरीके से आपने 1 ग्लास भी उनको दे दिया, तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन उनको मिल जाएगा। फल के सारे न्यूट्रिशन लेवल इसमें मिल जाते हैं, और इसी के साथ में आपको दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, ये फल के ज़रिए भी सब कुछ मिल रहा है आपको। तो आपको पता है ये कितना हेल्दी है आपके बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रीमी है, ये क्रीमी लुक बिल्कुल आपके मक्खन की वजह से है। तो आप सभी कस्टर्ड बनाते होंगे, पर अगर आपने मक्खन अभी तक नहीं डाल के बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मक्खन ऑर्डिनरी मक्खन है, जो अमूल का मक्खन आता है वही, और मैंने ऊपर से अनार से इसको गार्निश कर दिया है, और साइड में हम गार्निश करेंगे एक कीवी की स्लाइस को, मैंने ऐसे रख दिया है, एक बीच से कट लगा के यहाँ पे लगा दिया है, और एक स्ट्रॉबेरी को भी मैंने बीच से बिल्कुल कट लगाते हुए यहाँ पे रख दिया है, और बच्चों को और अट्रैक्टिव करने के लिए, अट्रैक्ट ये करे इसलिए ऐसे चॉकलेट्स के मैंने स्पून लगा दिए हैं, जो बहुत ही कलरफुल लग रहा है, और बच्चे ये खाए ना ऐसा हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को ऐसे कुछ डेकोरेट करके देंगे तो वो अगर नहीं भी खाना चाहेंगे तो बिल्कुल वो खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप भी एक बार ऐसे बना के कस्टर्ड को ज़रूर ट्राई करें, और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रेसिपी के साथ में मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। नेक्स्ट